क्या नाम है? निखिल भाई, खराब है, गंदे होते हैं राइडर्स, ये वो सब चीजें सुनने को मिली, हमें थोड़ा गिल्टी फील हुआ। एक अब मेरे साथ बहुत बड़ा सीन होने वाला है, मुझे लग रहा है डर ये है कि भाई हमारा एक दिन हमारा पूरा वेस्टेज जा चुका है। हर एक कौम में हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो। ओ भाई साहब, क्या लग रहा है ना, क्या बात है, सर से ऊपर से जा रहा भाई साहब। तो बाकी अपने ब्लॉग में यहाँ पे चल रहा है, इस टाइम अपनी इतनी बड़ी राइड पे निकले हैं और आगे भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लान हैं। एक बात सच बात है कि भाई जितने बड़े होटल में चले हो भाई साहब, मजा बिल्कुल भी नहीं आता। ओके जी, थैंक यू सो मच। काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सामने आपको देख सकते हैं, वो सामने नीचे की साइड में पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं, हनुमान जी और सीता जी की पेंटिंग। हमें एक चीज टकरा गई हमारे बीच में, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। क्यों रुक गए, अभी आपको दिखाते हैं एक तगड़ी चीज। सीधा एकदम 20-25 किलोमीटर का जंप मारा हमने एकदम। सो हेलो एवरीवन, चिल करो, फिल करो, जो भी करो मिलके करो। सो गाइस, फाइनली फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आई होप कि मेरी दमदार सेना बहुत ही बढ़िया होंगी, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हम लोग निकले थे भाई दिल्ली से अयोध्या के राइड पे, जिसमें कि हम लोगों का क्या सीन था भाई, हम लोग सोचे थे भाई दिल्ली से लखनऊ लगाएंगे सीधा, जिसमें कि दिल्ली से लखनऊ है हमारा 485 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या हुआ कि भाई लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर हम पहले ही रुक गए, जिसमें कि भाई हमने कानपुर में, प्लस साथ ही साथ ये है कि भाई हमारा एक दिन हमारा पूरा वेस्टेज जा चुका है, जिसमें कि हम लोग निकले थे 29 जनवरी 2024 को, और बाकी आज जो डेट है वो है भाई 31 जनवरी 2024। 30 तारीख को क्या हुआ था भाई, हमारी जो भाई हमारे साथ, हमारे चंदा भाई और विशाल भी आए थे, उनकी क्या हुआ था भाई, राइड करते टाइम ना ज़्यादा राइड करने के कारण भाई ठंड लग गई। और बाकी हम जो कानपुर में अपना विजिट करा था अपने रूम पे, वो हमने विजिट करा था भाई करीब 9 बजे के आसपास। तो यही है कि भाई हमारे चंदा भैया और विशाल भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के चक्कर में कानपुर में हमें एक दिन और ज़्यादा स्टे करना पड़ गया 30 तारीख का। तो यही था कि भाई हमने 30 तारीख का कोई ब्लॉग वगैरह नहीं किया और ना ही हम कहीं घूमने जा पाए, तो हमने अपना भाई वन डे जो पूरा था हमने घर में ही बिताया, बाकी एडिटिंग वगैरह वहाँ पे अपनी करी। ठीक है जी, अब हम लोग सीधा यहाँ से निकल रहे कानपुर से सीधा अयोध्या, जो कि भाई कानपुर से अयोध्या है 222 किलोमीटर। और भाई साहब, राइड जो हो रही है फुल क्रेजी हो रही है। दिल्ली से कानपुर तक के सफ़र पे काफ़ी लोगों ने हमें प्यार सपोर्ट किया, उन सबको भाई दिल से बहुत सारा लव यू है। ऐसे प्यार और सपोर्ट आप लोग करोगे तो हम लोग आगे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी राइड करेंगे। तो बाकी यही है कि फटाफट से हम लोग निकल रहे हैं, मैं हूँ नहा धो के फुल रेडी। आज है 31 तारीख, टाइम हो चुका है 11:01। अब फटाफट से अपनी बाइक पर अपना लगेज वगैरह बांधते हैं, सारी चीज़ें अपनी पैकिंग वगैरह हो गई है, रूम कुछ ऐसा था। चंदा भाई रेडी हो रहे हैं और विशाल भी अभी अपने रेडी हो रहे हैं। ठीक है जी, बाकी आप फटाफट से चलते सीधा अपनी बाइक पे नीचे, केदार बाइक पे अपने सारे सारे अपने लेगेज वगैरह बांधते हैं, फिर सीधा निकलते हैं अपनी अयोध्या राइड पे। बाकी आप लोग फुल वीडियो को एंजॉय करना, जो भी चैनल पे ना एक वीडियो को बढ़िया से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सॉरी स्क्रीन पे, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ये बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड एक जयकारा, जय श्री राम, जय हो बाबा की, हर हर महादेव। चलिए निकलते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हो? तो दोस्तों, फाइनली हम हो चुके हैं फुल रेडी, दिल्ली से अयोध्या की राइड पे निकले हुए थे। अब फटाफट से हम लोग रूम को कर रहे हैं चेकआउट, प्लस यहाँ पे सारे भाई हमने रेडी हो चुके हैं, चंदा भाई निकल चुके हैं आगे, और अपना सीधा अब निकलते सीधा कानपुर से अयोध्या। बाकी सर से एक बार और मिल लेते हैं, सर्विस में कोई कमी नहीं लगी, बाकी सर से मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, सर्विस में आपकी बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा विजिट करेंगे यहाँ पे। ओके जी, तो बाकी अपना ब्लॉग में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है जी, अभी निकल रहे हैं अयोध्या के लिए 228 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। और अपनी बाइक फुल रेडी एंड सीधा निकलते हैं अब सीधा अपने अयोध्या के लिए। सभी को सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। और निकल चुके हम लोग फिर से अपनी 228 किलोमीटर की राइड पे, जो कि भाई दिल्ली से निकले थे हम लोग अयोध्या की राइड पे, अब निकल रहे हम लोग कानपुर से अयोध्या। और ये हो रहा है टाइम 12:14, जो कि हम लोग कम से कम नाना करके भी कवर कर लेंगे शाम को 5 से 6 बजे तक। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। इस जर्नी में आप लोग सपोर्ट और प्यार करना, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने करा नहीं, लेट होगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ ना एक बात बताऊँ,
सच में भाई गर्मी फील हो रही है बहुत ज्यादा, और दिल्ली में ऐसी ठंड है। लोग बता रहे अपने घर पे फैमिली से बात हुई थी तो वो कह रहे भैया कोहरा धुंध इतनी ज्यादा पड़ रही है, और यहाँ पे सूर्य चाचू भी है आ रखे हैं, लेकिन भाई साहब गर्मी का फील ना बहुत अलग सा ही फील हो रहा है। यहाँ पे गर्मी है अच्छी खासी, और मैं ना सारे सारे ना गर्म कपड़े रख के लाया, मुझे लगा था भाई ठंड का सीजन चल रहा है तो अयोध्या में भी ठंड मिलेगी। आगे लंच वगैरह भी करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने करा नहीं, अब लंच करके सीधा अयोध्या लगाएंगे। और हमारे भाई और लोगों के रिएक्शन, जय श्री राम जय श्री राम। क्या नाम है? निखिल। निखिल जी पूरा नाम? निखिल कश्यप। कश्यप बहुत है। एक्सेसरीज ये तुमने अपनी लगवाई है? हाँ जी सारा काम हुआ है, बाइक से ज्यादा सामान लगा हुआ है इसके अंदर। बाइक से ज्यादा सामान इसके अंदर लगा हुआ है। एक्सेस आइटम ये सब लगे ना? हाँ सब एक्सेसरी सब चीज एक्स्ट्रा है। कॉमन है, लेग गार्ड तुमने चेंज करा दिया। अच्छा कई लोग है? तीन टीम त्रिशूल। चलिए ठीक है, ओके जी जय श्री राम। तो गाइस रास्ते में हमें काफ़ी लोग देखने को मिलते रहते हैं, रुकवा लेते हैं, और जहां हम रुकते हैं वहां पे टोरा हो ही जाता है अपने आप ही, रुतबा अपना ही होता है फिर उस टाइम। और लोगों का ये प्यार देखना सच में बहुत उम्मीदों से चीज़ें ऐसी लग रही है कि बहुत कुछ आगे होना है और होएगा। और आप लोग भी सपोर्ट और प्यार करो, जो कि आप लोग नए नए लोग जो भी हमारी ऑडियंस जुड़ रही है, क्योंकि बहुत सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। अभी हम 25K के सब्सक्राइबर की फैमिली लेके बैठे हुए हैं, तो अभी हमें काफ़ी दूर तक जाना है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं हाईवे पे, और ये आ चुका है हमारा अयोध्या का बिल्कुल करेक्ट सीधा हाईवे। बाकी पब्लिक के रिएक्शंस हमें मिलते हैं, ये देखो क्या बात है। यस 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 अयोध्या के लिए पब्लिक का रिएक्शन। चढ़ गया भैया हाईवे पे और अब सीधा अयोध्या, और अभी लंच वगैरह भी करेंगे बीच में रुक के कहीं, क्योंकि भूख भी लग रही है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं करा, सिर्फ चाय पी के होटल से निकल गए। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि ना कानपुर से लेके अयोध्या तक पूरी ना नगरी बहुत जैनमन बनी हुई है। प्लस भाई ये देखो पिलर्स, पिलर देखो ये बन के तैयार हो रहे हैं, और ये कुछ बन के तैयार हो भी चुके हैं मुझे लग रहा है। और कितना प्यारा चौक बना हुआ है ये, और बहुत जैनमन भाई साहब। जय श्री राम के अयोध्या का बोर्ड, और ये है भाई क्या बात है, ये कोई घाट है, घाट का नाम नहीं लिखा हुआ था नहीं तो मैं बताता। कानपुर से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर के बाद ये एक घाट मिला है। और भाई साहब कितनी बड़ी नदी है ना, क्या बात है, बहुत बड़ी। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सामने आपको देख सकते हैं वो सामने नीचे की साइड में पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा है भाई साहब, क्या बात है। पता नहीं था कि ऐसी भी चीज़ देखने में मिलेगी, बाकी इतना तो पता है कि अयोध्या में सरयू घाट है अपना, और वहाँ पे तो अपने दर्शन वगैरह करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत चीज़ें होनी है, आरती आरती सब देखनी है। तो अयोध्या आप लोगों को दिखाते हैं वो नगरी जो आज हम पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी इतनी बड़ी राइड पे निकले हैं, और आगे भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लान हैं जो कि बस सीक्रेट रखना चाहेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट प्यार करोगे ना तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हम लोग अनाउंसमेंट किया करेंगे। तो बाकी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही आज हम यहाँ पे अपने अयोध्या की राइड पे निकले हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। आज हम ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं ना, ब्लॉगिंग के थ्रू मतलब मानना ये बात होती है कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें घूमने को मिल रहा है। और मैंने कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखी कि बहुत लोग अपने यूट्यूब के बंदों को थोड़ा नेगेटिविटी बोलते हैं, भाई ख़राब है, गंदे होते हैं राइडर्स, ये वो सब चीज़ें सुनने को मिली, हमें थोड़ा गिल्टी फील हुआ। लेकिन मैं उन लोगों से जवाब देना चाहूँगा भाई कि हर बंदा गलत नहीं होता, हर राइडर गलत नहीं होता, हम भी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई गलत वर्ड अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ निखिल भाई गलत बात बोल रहे हो तो प्लीज़ बताना। बाकी भाई लोगों सच में भाई हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ राइडरों की वजह से लोग दूसरे राइडर्स भी बदनाम हो जाते हैं, और यही हर एक कौम में हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसमें से एक बंदे की वजह से पूरी कौम खराब होती है। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये चीज़ आप भी जानते होंगे। तो बाकी अयोध्या की राइड चल रही है, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी जय श्री राम। सो दोस्तों फाइनली हम लोके थे भाई अपने एक बढ़िया ढाबे पे, जो कि भाई अभी लग रही है इस टाइम भूख, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे अपना खाना आ रहा है, धीरे धीरे हमारे भाई लोग ला रहे हैं। टाइम की बात की जाए टाइम हो चुका है 1:17, और ना सच में ना शकल देख के खाने की ऐसा लग रहा है भाई फुल टेस्टी होगा। और हमारे चंदा भाई की
वजह से यहाँ पे हम लोग रुके हैं। कह रहे भाई भूख लग रही है, तो सभी को भूख लग रही थी, हमारे विशाल भी कभी। होटल जैन मैन है बिल्कुल, कुछ होटल ऐसा है अंदर से बाहर तक। भाई आ गए हमारा खाना लेके, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है बटर वाले तंदूरी पराठे आलू के, ठीक है जी। और तीनों भाई के आ गए, क्या बात है। तो फटाफट से यहाँ पे अपना टेस्ट वगैरह लेके और आपको बताते हैं कैसा है, यहाँ पे विजिट करना चाहिए कि नहीं। और प्लस एक बात सच बात है कि भाई जितने बड़े होटल में चले जाओ भाई, सब मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, पैसा जाता है लेकिन खाने में टेस्ट नहीं आता। अब यहाँ पे इतने छोटा होटल है पर चीज़ जेन्युइन होगी, ये मन से बता रहे क्योंकि भाई इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें काफ़ी टाइम से है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कानपुर में बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, उसका नाम भी बहुत अच्छा है। नाम था बस। और बाकी ना सीन ये है कि पराठा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है मेरा, तो तीनों का ही ख़त्म हो चुका है तीनों भाइयों का। लेकिन यहाँ पे ना अभी एक एक पराठा और ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ का टेस्ट खाने का ना अल्टीमेट है। चाय और मैगी और एक एक पराठा और आ रहा है नहीं भैया, मन खुश हो गया भाई। ऐसा देखो यार, मतलब शक्ल देख के पता लग रहा है ये खाने में कितना अच्छा टेस्ट है। हम सोच रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हाँ, लेकिन हम सीधा यहाँ पे लंच करते हैं। हाँ क्योंकि खाना, यस, इतना बढ़िया। हाँ, पूरा लंच वगैरह करके सीधा अपना अयोध्या लगाएंगे, क्योंकि अब सीधा सिर्फ चाय वगैरह के लिए रुकेंगे और कहीं नहीं बस। सो दोस्तों, फाइनली हमने खाना पीना बढ़िया तरीके से खा लिया है। प्लस ना भाई आपको स्पेस दिखाऊं ना इस ढाबे का, तो ढाबे का स्पेस देखो भाई फुल्ली, मतलब अपनी फैमिली वगैरह के साथ में यहाँ पे आके आप लोग विजिट कर सकते हैं, रुक सकते हो, खाने पीने का भाई अंदर का देख सकते हैं आप स्टेज, मतलब कितनी जगह यहाँ पे है। और खाने भाई एक नंबर लगाए। मैं आपको उन सर से मिलाता हूँ जिनका ये ढाबा है। तो ये हमारे साथ सर, सर आपका नाम? विमल चौरसिया। विमल चौरसिया, क्या बात है। तो भाई इनका सर का ढाबा है, और यहाँ पे आप लोग विजिट जरूर करना, क्योंकि ना हम लोग बड़े से बड़े होटल में भी रुकते हैं, ये आप लोगों को पता है, लेकिन भाई पैसा जाता है लेकिन खाना पीना बढ़िया नहीं मिलता है। तो सर आपका खाने पीने का जो सिस्टम था ना यहाँ पे, मतलब बिलिंग भी बहुत बेस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास हमारी तरफ से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आए और आपके पास विजिट करें, खाना पीना ओके करना, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको होटल की लोकेशन को दिखाई जाए, तो यहाँ पे पास में ही एक बगल में यहाँ पेट्रोल पंप मिल जाता है, तो पेट्रोल पंप के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे एक प्यारा होटल जो कि विमल ढाबा, बहुत ही खूबसूरत, आगे के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अब यहाँ से अब सीधा निकलते हैं, और आप लोग भाई इस ब्लॉग को इन्जॉय करो। अयोध्या पहुँचते हैं, बाकी टाइम हो चुका है यहाँ पे 2:13, अभी यहाँ से अब सीधा निकल रहे हैं अयोध्या, और कहीं कहीं बीच बीच में बस अब चाय पी जाएगी, खाना पीना यहाँ पे लोड हो चुका है ज़्यादा। सो दोस्तों, फाइनली ये खाना पीना बढ़िया से होने के बाद अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा अयोध्या के लिए। और अभी क्या हुआ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, कि हमारे भैयाओं को थोड़ा लग रहे थे कि भाई खाना इतना अच्छा है, लगा चाय वाय सब पी ली, फिर भी ना मन नहीं मान रहा, कह रहे यार अब ना सीधा 70-80 किलोमीटर पर रुकते हैं। तो अभी हमने ना एक कॉफ़ी और पी ली, कॉफ़ी का मन कर रहा था, तो कॉफ़ी भी बहुत अच्छी लगी। विजिट जरूर करना विमल ढाबा, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा कुछ है सब कुछ। तो बाकी अपना फुल रेडी, टाइम की बात की जाए टाइम हो चुका है 2:53, यानी 3 बजने ही वाले हैं, और देखते कितने किलोमीटर का हम सफ़र अभी तय कर पाते हैं। निकलते हैं अब सीधा अपने राइड के लिए, और सीधा रोकेंगे गाइस हम लोग सीधा लखनऊ, और बाकी अब राइड हो चुकी है स्टार्ट अपनी। और भाई फुल हाईवे है, और यहाँ तक कि 200 किलोमीटर बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी अभी हम रुके भाई लखनऊ से 19 किलोमीटर दूर, जो कि हमें एक चीज़ टकरा गई हमारे बीच में, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। क्यों रुक गए अभी आपको दिखाते हैं, एक तगड़ी चीज़। दोस्तों हम आगे आ गए थे, और ये रही वो तगड़ी चीज़ जो हमारे साथ टकराने वाली थी। ओ भाई साहब क्या बात है, इसमें बैठने का बहुत बड़ा सपना है, लेकिन बैठेंगे जरूर। चंदा भाई बैठना है ना एक दिन, टीम त्रिशूल कहाँ से, दिल्ली से दुबई फ्लाइट ले रहे होंगे हम लोग हैं। तो बाकी ये ना पूरा पूरा एयरपोर्ट है, जो कि लखनऊ और कानपुर के बीच में आता है, ठीक है जी। और ये लखनऊ से 19 किलोमीटर दूर पे पहले ही यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों भाई साहब पब्लिक बहुत सारी है, और यहाँ पे अपनी केदार बाइक के साथ साथ ना एरोप्लेन को देखने के लिए हमने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन भाई कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। और कैसे दिन ना ये हम लोग भाई इसके अंदर बैठ रहे होंगे। ओ भाई साहब क्या लग रहा है ना, क्या बात है, सर से ऊपर से जा रहा भाई साहब, अलग ही है भाई। ये भी एक सपना है हमारा जो हम इसके अंदर कभी बैठेंगे। और टाइम हो चुका है 4:40, चलो हम लोग रुके हुए थे इसी जहाज के लिए, एक जहाज तो हो रहा, एक हमारा जहाज ये रहा, चलो हम फटाफट से हम आगे के लिए निकलते हैं। सो भाई चलते चलते भाई सामने एक चीज़ दिख गई है,
और बहुत गजब की लग रही है, और सारे के सारे अपने इंडिया का झंडा लेके खड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो बाबा की, जय श्री राम। तो गाइस भाई साहब पब्लिक मिलती है जय श्री राम के जयकारे, और बहुत मजा इस राइड पे, अयोध्या की राइड पे दिल खुश हो चुका है पूरी तरह से। और बाकी लखनऊ 13 किलोमीटर बस, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट चाय, और उसके बाद सीधा अयोध्या, कम से कम नाना करके 135 के आसपास अपना लखनऊ से अयोध्या है। ठीक है जी, ये है राम भाई अम्बेडकर जी का मैदान, जो कि भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये सामने से, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब। अम्बेडकर जी का ये मैदान है जो कि भाई साहब बहुत प्यारा बना हुआ है, और काफ़ी दूर तक है, काफ़ी आगे तक ये बना हुआ है, और हम लखनऊ वाले रास्ते पे ही चल रहे हैं, लखनऊ आने ही वाला है बस थोड़ी देर में, और बाकी यहाँ मैदान काफ़ी दूर तक है। क्या बात है, गाइस ये वाला जो भाई हाईवे चल रहा है ना कजन, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। अयोध्या यहाँ से दिख रहा है 136 किलोमीटर, और एक सामने देखो ये चीज़, ये देखो भाई क्या बिल्डिंग बनाई है भाई साहब, अलग ही लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और ये चीज़ देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि इतनी बढ़िया राइड हो रही है। ये हाईवे इतना हमें प्यारा मिला है, सीधी सीधी लखनऊ से सीधा अयोध्या जा रहा है, बिल्कुल सीधा बिल्डिंग, एक से एक चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, क्या बात है, एक से एक आइनॉक्स है यहाँ पे, देखो कितने बढ़िया बढ़िया मॉल बने हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त। ओ भाई साहब कैसे कैसी बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ पे, और ये लखनऊ स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और लखनऊ की ये बिल्डिंग है, रास्ता है भाई, अलग ही शहर बसा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत अलग ही रोड बने हुए, बहुत ही जानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे। दोस्तों अभी अभी हम लोग क्या हुआ कि जो हमने इस फ्लाईओवर पे अभी चढ़े थे, वो फ्लाईओवर से हम लोगों ने सीधा ऐसा शॉर्टकट मारा है कि भाई साहब लखनऊ सिटी हम लोग पीछे छोड़ आए, अपना जो अयोध्या है वो रह गया 126 किलोमीटर, इतना लंबा फ्लाईओवर से शॉर्टकट लगाए, बहुत ही जेन्युइन। और बाकी हमने लखनऊ छोड़ दिया, अभी हम रेस्ट नहीं कर रहे, अभी आगे 5-10 किलोमीटर रुक के रेस्ट करेंगे, पूरी अयोध्या नगरी सजरी होगी, यहाँ से स्टार्टिंग ये हो चुकी है 126 किलोमीटर से पहले से ही। ठीक है जी, बाकी अब इधर से ही होते हुए हम सीधा अयोध्या पहुँच रहे हैं, और भाई साहब शॉर्टकट बहुत तगड़ा लगा, सीधा मतलब नाना करके भी सीधा एकदम 20-25 किलोमीटर का जंप मारा हमने, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही बताऊं भाई, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे ऐसे ऐसे कि अयोध्या नगरी पूरी सजी पड़ी है, और बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग यहाँ पे देखिए, हनुमान जी और सीता जी की पेंटिंग, मतलब पूरा पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे इस पेंटिंग को कि पूरी अपनी रामायण बनी हुई है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग्स, और दिल खुश हो गया, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई पीछे पीछे हमारे कुछ फैन, हमारे सब्सक्राइबर और भाई लोग वीडियो के साथ साथ जयकारे, जय श्री राम, जय श्री राम, हौसला बढ़ाते हुए। और भाई साहब पूरा पूरी यहाँ पे अयोध्या नगरी अभी आई नहीं है, अयोध्या नगरी अभी 124 किलोमीटर है, और ये सजावट देख मन में ऐसा उत्साह जाग गया है कि बस क्या ही होने वाला है अयोध्या तक, कि क्या क्या देखने में मिलेगा। सो दोस्तों काफ़ी देर चलाने के बाद एक जगह हम लोग रोक रहे हैं चाय पीने के लिए, और काफ़ी देर हो गई चलाते चलाते, और हमारे दोनों भाइयों ने भी यहाँ लगा दिए। ठीक है जी, और बाकी अयोध्या 115 किलोमीटर लास्ट, और फटाफट से के चाय पीते हैं फिर आगे के लिए निकलते हैं। सो दोस्तों फाइनली चाय नाश्ता बढ़िया से करके अब हम निकल रहे हैं अयोध्या, और अभी हमारा अयोध्या रह गया है 116 किलोमीटर, और काफ़ी लोग हमें यहाँ पे मिले, और हमने सबको अपने स्टिकर्स देते हुए आ रहे हैं। दोस्तों फाइनली निकल गए अपना अयोध्या के लिए, और चाय नाश्ता सही से कर लिया, बाकी हमारे चंदा भी ये निकल गए आगे, और 2 घंटे 7 मिनट का सफ़र दिखा रहा है 116 किलोमीटर अपना अयोध्या, और अयोध्या नगरी पूरी सजी पड़ी है भाई, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने यहाँ पे देखो भाई पूरे फ्लाईओवर पे अयोध्या नगरी सज रही है दूर से दूर तक, और फोकस
आपको सब सीधा रोड पे, और बाकी आप लोगों से मिलते हैं अयोध्या से कुछ ही किलोमीटर पहले, जो कि हम लोग अब वहाँ पे पहुँचने के बाद ही रूम वगैरह बुक करेंगे और देखते कैसा रहता है कैसा नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग अयोध्या नगरी में इंटर कर चुके हैं, और अयोध्या मेन जो मंदिर है वो है करीब 27 किलोमीटर बस हमारा रह गया है। और एक अब मेरे साथ बहुत बड़ा सीन होने वाला है, मुझे लग रहा है डर किस चीज़ का। यहाँ पे हो चुका है अपनी बाइक में पेट्रोल ख़त्म, बिल्कुल रेड पे है सुई आप लोग देख सकते हैं, और अब क्या होगा क्या नहीं, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है एक भी, और हाईवे चल रहा है काफ़ी बड़ा, और फाइनली पेट्रोल पंप हमें यहाँ पे मिल चुका है, और फटाफट से कराते हैं भाई इसे दोबारा से फुल, क्योंकि पेट्रोल की सुई बिल्कुल रेड पे। आओ भाई आओ, वाह वाह वाह। और बाकी हम अयोध्या नगरी में आ भी चुके हैं, रह गया है करीब 24 किलोमीटर, आओ फटाफट से फुल कराते हैं अपनी टंकी। नॉर्मल डालना अंकल जी, हैं फुल कर दो। हाँ जी पूरा 700 बस। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है 700 रुपये की फुल टैंक। सो गाइस फाइनली पेट्रोल हो गया फुल, और अब टेंशन ख़त्म, ठीक है जी ओके। हमने पेट्रोल अभी इसलिए इसमें फुल करा लिया क्योंकि हमें दिल्ली जाते समय हमें आधे रास्ते तक पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। ये नहीं पता चल रहा है मैप लोकेशन के थ्रू, मैं तो कहूँगा कि भाई साहब अयोध्या हमने 700 से 800 किलोमीटर है। तो दोस्तों निकल गए यहाँ से और पेट्रोल भरा लिया फुल टेंशन फ्री। ओ भाई क्या सज रही है अयोध्या नगरी, क्या बात है भाई साहब। ओनली 4.5 किलोमीटर अयोध्या यानी कि राम मंदिर, और जय श्री राम। फाइनली हम लोग अपने अयोध्या नगरी राम जी के दरबार पर बस पहुंचने ही वाले हैं। सो दोस्तों फाइनली हमने कर लिया है भाई अपना रूम बुक, प्लस भाई रूम की प्रॉपर्टी आप लोगों को बाहर से दिखाओ ना, प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी, सुबह आपको डिटेल में समझाएंगे और आपको इसका रेट वगैरह भी बताएंगे। बाकी अभी हमने यहाँ पे बाहर अपनी पार्किंग में तीनों बाइकें यहाँ लगा दी है, अपनी केदार यहाँ खड़ी है, वहाँ से हमने माँ खड़ी करी है, और यहाँ पे अपनी त्रिशूल, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे फटाफट से यहाँ से अपने लेगिस वगैरह खोल के सीधा ऊपर लेके चल लें, फिर आपको मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। बाकी यहाँ पे आपका रेट वगैरह क्या रहने वाला क्या नहीं, यहाँ विजिट कर सकते हैं या नहीं, वो मैं आप लोगों से ऊपर बात करूँगा। चलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं अब। सो गाइस फाइनली अब आ गया इस वीडियो का एंड करने का समय, जो कि मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये है भाई अपना जो हमने रूम लिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और होटल का नाम रहने वाला है साउ इन, ठीक है जी, अयोध्या में पड़ता है, और अपनी राम जन्मभूमि से करीब 5.3 किलोमीटर की दूरी पे ये अपना होटल है। और मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या है कि 22 जनवरी को अभी भैया से डिटेल ली तो भाई यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल था, तो भाई यहाँ पे इस होटल में डोमेट्री भी है जिसमें कि यहाँ पे कम से कम 25 बेडों का, जिसमें कि यहाँ पे अभी भैया बता रहे थे कि 25 बेड पे यहाँ पे 55 बंदे हमें एडजस्ट करने पड़े थे। तो भाई राम मंदिर के टाइम पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस टाइम की वो भैया ने बात बताई। बाकी यही है कि भाई हम लोग यहाँ पे अब स्टे कर रहे हैं, होटल बहुत प्यारा है, दिल एकदम खुश हो गया है, और यहाँ पे हमें भाई बेझिझक बढ़िया से अपना रूम यहाँ पे मिल चुका है। बाकी अभी कर रहे हैं हम इस वीडियो को एंड, और भैया वगैरह से पूछ रहे भैया राइड में मज़ा आ गया, व्लॉगिंग अच्छी हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल ही रहा है हमें, और बाकी भाई रूम कुछ ऐसा है आपको दिखा दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भाई हम लोग अब सोएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 10:13, जो कि भाई अब आप लोगों कल सुबह यहाँ से हम दिखाएंगे अपना अयोध्या नगरी, जो कि भाई हम लोग दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के, ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों को कल पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारा यहाँ पे कितना चार्ज आया कितना चार्ज नहीं, तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे विजिट भी करना होगा ना, तो उसका मैं आप लोगों को विजिटिंग कार्ड वगैरह सब दे दूंगा, तो वो कल सुबह आप लोगों को पता लगेगा। बाकी इस वीडियो में अभी मैं कर रहा हूँ एंड, तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, एंड अपने भाई की इंस्टाग्राम की आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सॉरी स्क्रीन पे लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप लिविंग कीप सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड से बड़ों की जरूरत को खुश रहो, बाय बाय लव यू ऑल, जय श्री राम हर हर महादेव, बाय बाय।